प्रिय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम डबल कलर से बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमें एक लाइट कलर चाहिए, एक डार्क कलर चाहिए, तो आप कोई भी दो कलर्स में यूज़ कर सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए रहते हैं और ये डिज़ाइन हमारा 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो चलो हम ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 14 फंदे डाल लिए, तो 2 के मल्टीपल में इसमें हमने 14 फंदे डाल दिए। इसकी फर्स्ट रो में सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इसके बाद अपने डिज़ाइन बनाने के लिए इसके अंदर हम 6 सिलाइयाँ बेसिक रो की निकालेंगे बॉर्डर की। तो पहले सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना लिए। अब इसके अंदर हम 6 सिलाइयाँ बेसिक निकालेंगे, उसके बाद अपना डिजाइन शुरू करेंगे। तो बेसिक सिलाई निकालने के लिए इसके अंदर हम बॉर्डर बनाते हैं। इसमें आज 2-2 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। तो शुरू में मैं 2 फंदे सीधे बनाती हूँ, फिर ऊन को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे। जिस तरह से हम अपना सिंपल बॉर्डर बनाते हैं एक एक फंदे का, तो आज हम इसके अंदर 2-2 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने 6 सिलाइयाँ अपने बॉर्डर की निकाल ली। तो ये हमारी पहली रो कंप्लीट होती है। रोंग साइड से आ गए, रोंग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। शुरू में 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। इस तरह से हमारी ये बेसिक रो निकलेगी जो हमारी सेकंड रो है। हमारी 2 सिलाई निकल गई है। अब तीसरी सिलाई निकालते हैं। तीसरी सिलाई में भी हम 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होती है। अपनी फोर्थ रो में आ गए जो हमारी रॉन्ग साइड से, इसमें अपनी बॉर्डर की रो निकालेंगे। 2 फंदे उल्टे, जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से हमें बनाना है। तो हमें बस 2-2 फंदों का बॉर्डर बनाना है। इस तरह हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट होती है। अब अपनी हम राइट साइड से 5th रो में आ गए जिसमें भी हमें बॉर्डर की ही सिलाइयाँ निकाल ली। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इस तरह हमारी 5th रो कंप्लीट होती है। अब हमारी लास्ट रो है बेसिक, उसके बाद अपना हम डिजाइन शुरू करेंगे। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से बना के इसे कंप्लीट करना। अब इसके अंदर अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे जो हमारे सेकंड कलर से होगा। तो इस तरह से इसके अंदर हम ये 6 रो बनाते हैं। तो ये हमारी इसी तरह काउंट हो जाती है। नीचे की 1st रो तो हम छोड़ दें क्योंकि हमने उल्टी निकाली थी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारी सिलाई पर रहती है। इस तरह हमारी कुल 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की निकल गई। अब इसके अंदर अपना सेकेंड कलर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह मैंने अपना ये सेकेंड कलर ज्वाइन कर लिया है। अब जो फंदे हमारे सीधे उन्हें स्लिप करेंगे और जो फंदे हमने उल्टे बनाए उन्हें सीधे बनाएंगे। तो शुरू के 2 फंदे हमारे सीधे हैं, तो इन दोनों फंदों को मैं इस तरह से स्लिप कर लेती हूँ। फिर आगे 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों फंदों को मैं 1, 2 हमने सीधे बना लिए, फिर 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 फिर 2 फंदे स्लिप कर लेंगे। जो हमारे सीधे फंदे हैं इन्हें हमें स्लिप करना है और जो उल्टे फंदे उन्हें हमें सीधा बनाना है, 1, 2 फिर 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। इस तरह से हमारे डिजाइन की 1st रो निकलती है। अपने डिजाइन के हम 2nd रो में आ गए जो हमारी रॉन्ग साइड से। स्लिप किए फंदे को तो हम स्लिप कर लेंगे और फिर जो फंदे हमारे हमने 2nd कलर से बनाए थे उन्हें उल्टा बना लेंगे।
दो फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर दो फंदे हमने स्लिप किए, फिर दो फंदे उल्टे बनाए, फिर दो फंदे हमने स्लिप किए, फिर दो फंदे उल्टे बनाए, दो फंदे हमने स्लिप किए। इस तरह से हमारे डिजाइन की सेकेंड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन की हम थर्ड रो में आ गए जो हमारी राइट साइड से। थर्ड रो में राइट साइड में सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे, जिन्हें स्लिप किया था उन्हें भी हम सीधा बनाएंगे। एक दो, ये स्लिप किया उनको बना लिया, और जो दो फंदे हमने बनाए थे उन्हें भी हम सीधा बनाएंगे। तो थर्ड रो में हम सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। अब अपनी फोर्थ रो में आ गए, यहाँ से हमारा डिजाइन में थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये फोर्थ रो आप ध्यान से देखिए, उसके बाद हमारी सभी रो बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो नीचे से जो सीधे फंदे हैं वो तो उल्टे बनेंगे, और जो उल्टे फंदे हैं वो सीधे बने। तो शुरू के दो फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं, तो इन दो फंदों को तो हम सीधा बनाएंगे। और जो दो फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, इन दो फंदों को हम ऊन को अपनी तरफ करके उल्टा बनाएंगे। बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, जो सीधे फंदे हैं उन्हें उल्टा बनाना है, और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें सीधा बनाना है। तो ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट होती है, जिसमें हम उल्टे फंदों को तो सीधा बनाएंगे, नीचे से हम देख लेते हैं, और सीधे फंदों को हमें उल्टा बनाना है। इस तरह से हमारी डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट होती है। अगर आपको पीछे से समझ में नहीं आए, तो जिन दो फंदों को हम शुरू में सीधा बनाते हैं वो हमारे पीछे से उल्टे बनेंगे, और बचे हुए दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। अब हमारी आगे की चार सिलाइयाँ बिल्कुल सिंपल निकलेंगी, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। शुरू के दो फंदे हमारे उल्टे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, फिर दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बना लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे हैं इन्हें उल्टा बना लेंगे। जो फंदा हमारा जैसा दिख रहा है उसी तरह से निकालते हुए अपने डिजाइन की फिफ्थ रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन के हम सिक्स रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से है। तो इसमें भी जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, शुरू के दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बना लेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे इन्हें उल्टा बना लेंगे, फिर दो फंदे सीधे इन्हें सीधा बना लेंगे, फिर दो उल्टे और दो सीधे। इस तरह बनाते हुए हमारे डिजाइन की सिक्स रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन की हम सेवन्थ रो में आ गए, जो राइट साइड से। इसमें भी जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से बनाना है। इस तरह वाइट उनको अपने साथ लेके चलें, जो बीच में बड़ा धागा नहीं रहता है हमारा। शुरू के दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे। इस तरह बनाते हैं हमारे डिजाइन की सेवन्थ रो कंप्लीट होती है, जिसमें जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बनाना है। फिर ये हमारे डिजाइन की लास्ट रो है, एट्थ रो। इसमें भी जो फंदा जैसा दिखता है हमें उसी तरह से बना के उसे कंप्लीट करना है। और इन्हीं आठ सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होता है, और इन्हीं आठ सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। शुरू की चार सिलाइयों में ही हमारा डिजाइन में बनता है, लास्ट की चार सिलाइयों में डिजाइन बिल्कुल सेम रहता है हमारा। इस तरह से हमारी चार सिलाइयाँ निकल, आठ सिलाइयाँ निकल गई। अब इसमें जो हमारा ये वाइट से यहाँ से शुरू होता था, यहाँ से पांच रो होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच, पांच हमारी ये और छठी हमारी इस पर, क्योंकि दो सिलाइयाँ तो हमारी यहाँ पे नीचे। इस तरह कुल ये आठ सिलाइयाँ बनता है। मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। अब जो फंदा हमारा सीधा है, जो दो फंदे सीधे इन्हें स्लिप करेंगे और उल्टे फंदे को हमें सीधा, तो शुरू में दो फंदे हमारे उल्टे हैं, तब इन दो फंदों को हम शुरू में इस तरह से सीधा बनाएंगे, फिर सीधे फंदे को दोनों को हम स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे। सीधे फंदों को स्लिप करना है और उल्टे फंदों को सीधा बनाना है।
ये फर्स्ट रो में इस तरह से बनता है। सेकंड रो में जो फंदा हमने स्लिप किया उसे स्लिप करेंगे, और जो फंदा हमने अपनी वाइट कलर की ऊन से बनाया उन्हें उल्टा बनाएंगे। दो फंदे वाइट कलर के उल्टे बनाए, स्लिप के फंदे को स्लिप किया, फिर दो फंदे उल्टे बनाए, स्लिप के फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर स्लिप के फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह सेकेंड रो कंप्लीट होती है। फिर हमारी थर्ड रो आ गई। थर्ड रो में हम पूरी सिलाई उल्टी बनाते हैं, तो सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे, स्लिप के फंदों को भी और जिन फंदों को हमने बनाया था उन्हें भी, तो स्लिप के फंदों को भी सीधा बनाना है। इस तरह थर्ड रो में हम सभी फंदों को सीधा बना के अपनी थर्ड रो को कंप्लीट करते हैं। अब अपने डिजाइन के हम फोर्थ रो में आ गए। फोर्थ रो में जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे तो हमें उल्टा बनाना है। तो ये फंदा हमारा इधर से सीधा बनाया था, दोनों तरह से समझ लीजिए आप। जो पीछे से हमारा जो दो फंदे सीधे दिखते हैं उन्हें तो उल्टा बनाना है, अगर पीछे से समझ नहीं आए तो आगे से जिन दो फंदों को हमने सीधा बनाया था उन्हें उल्टा, तो शुरू के दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, क्योंकि ये फंदे हमारे उल्टे हैं, फिर ये दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें दो उल्टा बना लें। जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप इसे बना सकते हैं आसानी से। सिर्फ ये हमारे बॉर्डर की तरह ही डिजाइन बनता है। इस तरह से हमारी चार सिलाइयां कंप्लीट हो गई। अब आगे की चार सिलाइयों में बिल्कुल जैसे जो फंदा दिखेगा बॉर्डर उसी तरह से बनाना है, दोनों तरफ से दो फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे, इसी तरह से पीछे से। तो चारों सिलाई कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी चार सिलाई कंप्लीट कर ली है, हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। वापस अपना ब्राउन कलर लगाएंगे, और बनने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता है। इन्हीं आठ सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।